दोस्तों, आज भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर आप लोगों से कुछ अनुरोध करने के लिए और जो देश में जो कुछ हो रहा है उसकी सच्चाई आप लोगों के सामने रखने के लिए आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत दिनों से कही गई बात है कि आजादी से पहले हम हिंदुस्तानी थे और आजाद होने के बाद हमें हिंदू मुसलमान बना दिया गया। सच्चाई आपके सामने यह है कि जब जब हिंदू और मुस्लिम की एकता बनी है, तब तब सियासत के चेहरे इन्हें बिगाड़कर अपनी राजनीति चमकाने में आगे बढ़कर आए हैं। जब हम आजाद नहीं हुए, गुलाम थे, तब भी लोगों ने हम लोगों के बीच में दरार डालने का प्रयास किया, लेकिन तब के लोग इनकी अंग्रेजों की चाल समझ में आ गई थी कि अगर वो बांट कर केवल हमें लड़ाना चाह रहे हैं और सत्ता पे रहना चाह रहे हैं, तब अंग्रेजों ने कोशिश की थी हमें अलग करने के लिए। थोड़े समय के लिए हम बिगड़े जरूर थे, लेकिन बाद में हम एक हो गए और एक होने के बाद उन गोरे चिकनों को हमने देश से भगा दिया। बिल्कुल आज भी माहौल सियासत के द्वारा ऐसा ही किया जा रहा है कि जैसा हो सके, जितना हो सके इन्हें लड़ाया जाए। ये जब लड़ते रहेंगे तो असल मुद्दे से इनका ध्यान हटेगा और हम हमेशा राज करते रहेंगे। आज ये सोचकर हमें बड़ी तकलीफ होती है कि तब एजुकेशन सिस्टम डाउन था, तब शिक्षा कम थी, लेकिन उसके बाद भी लोग समझदार थे। आज की इस पीढ़ी जो शैक्षिक व्यवस्थाओं में निपुण होने के बाद भी इन लोगों की बात को समझ नहीं पा रही है कि हिंदू और मुस्लिम एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और जैसे एक पहिया टूट जाता है तो गाड़ी नहीं चलती, ऐसे ही जब वो टूट जाएगा तो गाड़ियां नहीं चलेंगे। ये हमें समझना होगा। आज जो सबसे बड़ा एक नफरत का बीज बोया, उसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। मीडिया ऐसे उल्टा सीधा तोड़ मरोड़ कर ऐसे प्रस्तुत कर रही है कि आज जब हम किसी के दीपावली में शरीक होते थे, वो मुसलमानों के ईद में शरीक होते थे, इतना जहर घो दिया है कि आज गांव में भी ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों के दिमाग में ऐसे हिंदू मुसलमान की बातें आती हैं जो कि सरासर गलत है। और आज बिजनेस अगर की जा रही है तो बिजनेस में भी हिंदू मुसलमान के नाम से जोड़कर सामान को खरीदे जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक गरीब अगर ठेला लेकर आलू बेचने के लिए निकलता है तो उसका आधार कार्ड मांगा जाता है कि तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, ऐसी ऐसी बातें आ गई है। आज नौबत यह आ गया है कि ठेले पर झंडा लगा के चला जाता है। आज एक डर का माहौल जो देश में क्रिएट किया गया है, आज हर व्यक्ति हर जगह पे डरा हुआ और लुटा हुआ महसूस हो रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों से गुजारिश है कि सियासत के बात में आकर आपसी भाईचारों को आप ना बिगाड़ें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।